डियर स्टूडेंट मैं इंजीनियर आकृति आज के बिहार बोर्ड 2019 के मैथ्स पेपर के ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को लेकर आई हूँ आप जल्दी से अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और मैच करिए आपका कितना सही है मैं कोड जे डिस्कस कर रही हूँ आपका कोई सा भी पेपर है सब में क्वेश्चन सेम है केवल क्वेश्चन नंबर अलग है तो मिलाने के लिए तैयार हो जाइए मिलाते जाइएगा और कमेंट करते जाइएगा आपका कितना सही है मैं क्वेश्चन नंबर वन से शुरुआत करती हूं यहां हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन को क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर एन का डायरेक्ट रिजल्ट है एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन करेक्ट ऑप्शन बी होगा कम टू सेकेंड क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट यूनिट मैट्रिक्स का डेफिनेशन है जिसके इस डायगोनल पे ट्रिपल वन हो बाकी जीरो देख लें ऑप्शन बी इस डायगोनल पे ट्रिपल वन और बाकी जगह जीरो इसलिए हमारा, हमारा करेक्ट इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो गया कम टू थर्ड क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन रिलेशन आर इज टू बी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव मैं बताती हूँ क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर क्वेश्चन नंबर थ्री में परपेंडिकुलर बोला परपेंडिकुलर का मतलब पहले मैं रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कोई भी लाइन परपेंडिकुलर खुद के नहीं हो सकता इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है रिफ्लेक्सिव नहीं है अगर लाइन वन लाइन टू के परपेंडिकुलर है तो टू भी तो वन के परपेंडिकुलर होगा ही, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा। कम टू फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं नंबर फोर की बात करती हूँ तो यहां ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा ए यूनियन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी सो करेक्ट आंसर सी होगा कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है अच्छे से देखते हैं अगर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है डिटॉमिनेंट निकालने के लिए ये गलत क्वेश्चन है मैट्रिक्स का साइन दिया है क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे साइन ट्वेंटी इंटू कॉस सेवेंटी मैं यहाँ लिख दूँ साइन ट्वेंटी इंटू कॉस सेवेंटी माइनस कॉस ट्वेंटी इंटू साइन सेवेंटी क्या फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी हमारा आंसर आ जाएगा वन क्योंकि फाइनल आंसर हो गया साइन ट्वेंटी प्लस सेवेंटी दैट इज साइन 90 जिसकी वैल्यू वन होती है कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स ये मैं कल जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाली थी उसमें ये क्वेश्चन प्रेजेंट था इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्मूला है टू टैन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स दिस वन कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन कल मैं ये भी बताई थी कल के ऑब्जेक्टिव वीडियो में मैं ये क्वेश्चन भी बताई थी जेड एक्सिस का कोसाइन क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले पांच साल से लगातार पूछ रहा है अगर जेड एक्सिस है तो जेड कोऑर्डिनेट वन होगा अगर एक्स एक्सिस होता तो एक्स वन यहाँ हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कम टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट की बात करें कॉस का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक बार लोअर लिमिट पुट कर दें और एक बार अपर लिमिट साइन पाई बाई टू वन माइनस साइन जीरो जीरो वन माइनस जीरो वन हो जाएगा अब हम लोग वन कौन से ऑप्शन में है अच्छे से देख लें वन हमारा बी ऑप्शन में बी ऑप्शन में वन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा मॉडुलस ऑफ दिस वन कैसे निकलता है रूट अंडर फाइव का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर छत्तीस प्लस पच्चीस इकसठ और उन्नीस का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर हंड्रेड ट्वेंटी टू करेक्ट ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर टेन की बात करती हूं ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन वैल्यू ऑफ डिटॉमिनेंट पूछा है अगर हम लोग इसके डिटॉमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वन इन टू वन से रिलेटेड कट कर देंगे सत्ताईस माइनस चौबीस तीन बचा उसके बाद माइनस तीन बचा माइनस टू इन टू टू से रिलेटेड कट कर देंगे नाइन माइनस सिक्स फिर से थ्री बचा थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री प्लस फोर प्लस फोर से हम इंटू करेंगे फोर माइनस थ्री फोर माइनस थ्री हमारा वन आ जाएगा थ्री माइनस फोर माइनस वन आएगा एक बार मैं दोबारा से करके बताती हूँ क्योंकि बहुत सारा बहुत मिक्स टाइप का हो गया वन इन टू, वन इन टू, ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी फोर थ्री माइनस टू इन टू, थ्री प्लस फोर इन टू, तीन चार सात माइनस छः

पंद्रह नंबर में पी ए पी बी ए इंटरसेक्शन भी दिया है पी ए यूनियन भी पूछा है पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तीनों डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू पुट करेंगे हमारा फाइनल आंसर डी आएगा नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिक्सटीन की बात करेंगे तो, तो टू इंटू दिस वन टू थ्री जा देख ले एक्स और वाई है जिस जिस टर्म में X है मैं उसी को कैलकुलेट करूंगी एक्स यहां है टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर फाइव एक्स की वैल्यू टू आ गई जो सिर्फ ऑप्शन बी में फिर भी क्रॉस चेक करना चाहते हैं वाई तो कर ले प्लस वाई बराबर जीरो सो वाईक्वल टू माइनस एट ऑप्शन बी करेक्ट हो गया नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेवनटीन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं हमारे बुकलेट का क्वेश्चन है अदरवाइज हम लोग एनसीईआरटी के मिसलेनियस से ये क्वेश्चन दिया दिया गया है हमारे सेवेंटीन का ऑप्शन सी करेक्ट होगा अब हम लोग अपने नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन की मैं बात करती हूँ एटीन नंबर एक सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया पोजीशन वेक्टर बताएं एक्स में आई लगा दें वाई में जे लगा दें जेड में के लगा दें हमारा फाइनल आंसर डी होगा अब ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन पूछ दिया गया तो डायरेक्टली मैं बता दूँ यहाँ पहले पहले ब्रैकेट में टू बाइनरी थ्री है ए के जगह टू रखेंगे टू टू जा फोर प्लस थ्री सेवन आ गया सेवन बाइनरी फोर है सेवन टू जा फोटीन प्लस फोर एटीन हमारा फाइनल आंसर आ गया कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन की बात करती हूँ ऑन टू ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन इक्वल टू रेंज इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की मैं बात करती हूँ ट्वेंटी वन कह रहा है टू ए प्लस थ्री बी टू अगर मैं टू ए प्लस थ्री भी, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं टू इंटू दिस टू इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस थ्री इंटू दिस मैट्रिक्स करेंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर बाईस कहता है साइन की पावर नाइन ये एक ऑड फंक्शन है ऑड फंक्शन को कभी भी माइनस ए से ए के बीच इंटीग्रेट करते हैं तो करेक्ट आंसर ज़ीरो होता है अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर तेईस कहता है कि ए प्लस थ्री बी इंटू टू ए माइनस बी की वैल। जैसे ही आप इस ऑपरेशन को करेंगे आपका ऑप्शन डी आ जाएगा कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सिमिलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कल के ऑब्जेक्टिव में मैं करवाई थी अब तक दस क्वेश्चन ऐसा आ चुका जो मैं कल इंपॉर्टेंट करवाई थी आपके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ये क्वेश्चन भी गलत है यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिम्बॉल होना चाहिए फोर इंटू एक्स माइनस सिक्सटी बराबर जीरो एक्स इक्वल टू फिफ्टीन ऑप्शन ए करेक्ट होगा कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स साइन के कितने रेडियन की वैल्यू वन अपॉन रूट टू होती है पाई बाई फोर की वैल्यू वन अपॉन रूट टू होती है हम ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं पूछा है कि इनमें से कौन होमोजीनियस है मैं पहचानना बताती हूँ एक्स की डिग्री टू वाई की डिग्री वन तीन हो गया इसमें और देखें एक्स का भी तीन वाई का भी तीन ऑप्शन ए होमोजीनियस है जबकि ऑप्शन बी में इसका डिग्री टू है इसका डिग्री फोर है ये नॉन होमोजीनियस है कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट

क्यूब डी होगा जिसका आंसर होगा टी फोर बाई फोर इसका मतलब हमारा आंसर होगा साइन की पावर फोर बाई फोर ए वन बाई फोर बाहर हो जाएगा एक बार एक्स के जगह पाई बाई टू पुट करूँगी साइन पाई बाई टू वन माइनस ज़ीरो परफेक्ट आंसर वन बाई फोर आ गया जो कि जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी की बात अगर करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी में इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी होगा कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्टी वन नंबर क्वेश्चन है पी का फॉर्मूला क्या होता है पी का फॉर्मूला एन ई अपॉन एक्स होता है थर्टी टू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला tan इनवर्स x होता है जिसमें जब मैं अपर लिमिट डालूंगी tan इनवर्स one पाई by four हो जाएगा thirty three में फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है e की पावर p dx e की पावर sec x sec x का इंटीग्रेशन log mod sec plus tan e और log कट जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा thirty four डायरेक्ट फॉर्मूला से x square by a square का फॉर्मूला one by a tan इनवर्स x by a कौन से ऑप्शन में ऐसा है ऑप्शन बी में है बहुत सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव डायरेक्ट फार्मूला है ये टेन इनवर्स का क्योंकि टैन इनवर्स ऑप्शन में नहीं है इसलिए कॉट इनवर्स एक्स का माइनस का फॉर्मूला होगा थर्टी सिक्स की बात करती हूँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सेवन फिर से डिटर्मिनेंट निकालने पूछा इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता बहुत सिंपल पूछा है वन इंटू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन ए में है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर थर्टी नाइन डी एक्स बाई एक्स पूछा है जो कि लॉग एक्स होता है लॉग एक्स टू और वन लॉग वन माइनस लॉग टू log m माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी होती है log m बाई एन ऑप्शन सी करेक्ट log x का डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला वन बाई एक्स फोर्टी वन ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है कि इसका x से दूरी बताएं अगर इसका x से दूरी पूछा है तो थ्री जीरो जीरो से डिस्टेंस फार्मूला निकाल देंगे रूट अंडर फोर का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर पच्चीस और सोलह क्या होता है पच्चीस छः इकतीस दस इकतालीस होता है इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा अब मैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू की बात कर रही हूँ फोर्टी टू हमारा है टेन इनवर्स सिक्स प्लस कॉट इनवर्स सिक्स डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि पाई बाई टू होता है फोर्टी थ्री क्वेश्चन है कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो ये किस प्रकार का फंक्शन है ये तो वन वन का डेफिनीशन है पर मैं जो वी टी एस ली थी पंद्रह सारे क्वेश्चन सभी ऑब्जेक्टिव उसी एक से पंद्रह तक में पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये दो बार डिफरेंशिएट किया गया इसलिए ऑर्डर इसका टू होगा पी ए प्लस पी ए बार वन होता है रिजल्ट है साइन इनवर्स वन बाई एक्स को कौसेक इनवर्स एक्स कहते हैं कल भी जब हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे तो एक क्वेश्चन था जिसमें साइन का उल्टा कौशेक था अब हमारा आखिरी चार क्वेश्चन बच गया है डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड आइकॉन है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि एक घंटे के अंदर अंदर मैं सब्जेक्टिव का डिटेल्ड सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी और उसका पीडीएफ पूरे मेरे हैंड रिटेन क्वेश्चन एंड आंसर के साथ सही सही बनाकर डाल दूंगी जिससे कि आप देख सकते हैं सिर्फ इतना ही नहीं ट्वेल्थ के बाद आपको फ्यूचर में क्या करना है आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं हर फील्ड से रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन सेकेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला है ऑप्शन बी फोर्टी एट की बात करती हूँ ए क्रॉस से सिमिलर वेक्टर जीरो जीरो डॉट बी जीरो कॉशेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स फॉर्मूला है लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या होगा ए का ट्रांसपोज कल के ऑब्जेक्टिव में मैं बताई थी कि अगर रो को कॉलम में करते हैं ट्रांसपोज में वन टू थ्री तो पहला रो उठाकर पहले कॉलम में दूसरा रो उठाकर दूसरे कॉलम में तो हमारा परफेक्ट आंसर हो गया सी डियर स्टूडेंट हम लोग सोलह मिनट में पूरा का पूरा सॉल्यूशन पचासों क्वेश्चन का रिकॉर्ड कर चुके हैं अब मैं जल्दी से अपलोड करने जा रही हूं जल्दी ही मैं सॉल्यूशन सब्जेक्टिव uh, का भी डालूंगी तो तब तक के लिए थैंक यू